हाय गाइस तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा लोग जेई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पेपर वन का प्रॉब्लम नंबर एट ओके सो दिस इज इंटीजर टाइप मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन तो चलो पढ़ते हैं पहले क्या दे रखा है हमें लेट ए बी सी बी ए ट्रैंगल विद ए बी इज वन ए सी इज थ्री एंड एंगल बी ए सी इज़ नाइन्टी तो अगर हम इसको यहाँ पर बनाएं So, angle A is 90, B a, AC is 3 and AB is 1, right? AC is 3 and AB is 1. Or if a circle of radius r greater than 0 touches the sides AB and AC, so this in circle, let us say the circle that we have drawn inside touches AB and AC. And also touches internally the circumcircle of a triangle ABC. So you can see it touches the circle here, the circumcircle of ABC. So we have to find the radius of this circle. तो देखो यार अगर हमारे पास दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो आपको पता है कि उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर माइनस आर मीन्स अगर मैं सर्कम रेडियस को कैपिटल आर कह रहा हूँ और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल द साइड एंड द सर्कम सर्कल तो इनके सेंटर्स टू सेंटर डिस्टेंस अगर मैं सी वन सी टू इनके सेंटर्स बोल रहा हूँ दैट शुड बी आर माइनस आर राइट तो यार राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सर्कम सेंटर का सेंटर ढूंढना बहुत ही मीन्स ईजी है अपने पास सर्कम सेंटर का सेंटर होता है हाई का मिड पॉइंट सो लेट्स से वी आर सेइंग इट इज अ पॉइंट सी वन अब जो सेकंड सर्कल है जो इसके अंदर बना हुआ है, जो साइड्स को टच कर रहा है तो अब साइड्स को अगर टच कर रहा है वो और उसका अगर मैं सेंटर ढूंढूंगा, तो वो होगा इसके एंगल बाई सेक्टर पर यस सर न से यहाँ से इसका डिस्टेंस आर होगा क्योंकि ये सॉरी नॉट फ्रॉम हेयर यहाँ पे ये टच कर रहा है मैं यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस आर होगा दोनों से तो आपके पास ये लेंथ हो जाएगी रूट टू आर अगर मैं इसे सेंटर सी टू कहता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो ए और इनको नाम देते हैं पी एंड क्यू सो ए पी सी क्यू सी टू क्यू इज़ स्क्वेयर तो जो ए क्यू का लेंथ है ए सी टू का लेंथ वो आर ए रूट टू आर बाय पाइथागोरस, राइट right? और सी वन सी टू का डिस्टेंस हमें पता है क्या है सी वन सी टू का डिस्टेंस है आर माइनस आर और फिर हमें सी वन से अगर मैं ए को ज्वाइन कर देता हूँ ये होगा कैपिटल आर सेंटर से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा कैपिटल आर तो ये ट्रायंगल मेरे को दिख रही है इस ट्रैंगल के अंदर मेरे को आर को ढूंढना है और मैं कोसाइन रूल इसमें यूज कर सकता हूँ प्रोवाइडेड मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए ये जो एंगल है ये बन रहा है अपने पास एंगल बाई और मीडियन के बीच में यस सर ए सी वन इज अ मीडियन राइट ए सी वन इज अ मीडियन ऑल्सो सो इट इज एंगल बिटवीन एंगल बाई एंड मीडियन तो एंगल बाई किसका है नाइन्टी डिग्री का तो एंगल बाई सेक्टर वाला एंगल हमें पता लगेगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है जो ए सी टू है वो ए बी और ए सी के साथ फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बना रहा है अब जो ए सी वन वाला पार्ट है उसका हमें एंगल ढूंढना है तो उसके लिए अगर मैं इसे एंगल थीटा मान लेता हूं अब क्योंकि सी वन सी इज इक्वल टू सी वन ए है सी वन सी इज इक्वल टू सी वन ए है यस yes नो no? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो मीडियन के जो लेंथ होते हैं वो हाई प्रोटेन्स का हाफ होता है AC1 तो मैं ये कह सकता हूँ राइट right? तो जो मीडियन है ए सी वन वो ए सी के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा और जो ए सी टू है वो ए सी के साथ कितना एंगल बना रहा है फोर्टी फाइव राइट ये वाला एंगल जो है ये कितना अपने पास फोर्टी फाइव ए सी वन और ए सी टू के बीच में एंगल कितना बच जाएगा अपने पास फोर्टी फाइव माइनस थीटा सो आई कैन थीटा। अब मैं यूज कर रहा हूँ कॉस फोर्टी फाइव माइनस थीटा बाई कॉसाइन रूल दिस शुड बी इक्वल टू ए सी वन स्क्र प्लस ए सी टू स्क्र माइनस सी वन सी टू स्क्र बाय टू ए सी वन ए सी राइट right? अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे अब यहाँ पे जो कॉस 45 फाइव माइनस थीटा है इसमें आपको छोटी सी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कॉस ए माइनस बी की कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी अगर मैं लगाता हूँ विच इज कॉस 45 फाइव कॉस थीटा प्लस साइन फोर्टी फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी वन का वैल्यू क्या है अपने पास आर स्क्वेयर रेडियस ऑफ आ सर्कम सर्कल ए सी टू क्या है ए सी टू था रूट टू आर रूट टू आर का स्वेयर करोगे आ जाएगा टू आर स्क्र सी वन सी टू क्या है आर माइनस आर स्पेयर ए ट्वाइस ऑफ ए सी वन आर ए सी टू रूट टू आर राइट सो दिस इज वट वी हैव ना वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस And putting the values of our cos theta, cos 45 sin 45 both are 1 by root 2. So, we put that value also. So, in the left hand side, in the left hand side, we have 1 by root 2 common cos 45 and sin 45. We have cos theta, cos theta is basically cos theta is. AC a, uh, sorry bc AC by bc AC by BC and sine theta is a b by bc now, if you simplify this,

तो दोनों में से आप स्मॉल आर कॉमन निकाल के काट सकते हो तो आपके पास जो बच रहा है चीज वह टू आर टू आर को इधर ले आया मैं ए सी बाय बी सी और ए सी प्लस ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू आर प्लस टू आर अब देखा जाए तो टू आर है क्या टू आर इज बेसिकली द साइड बी सी यस और नो ए सी वन इज अवर आर AC1 is R, which is same as C1C as well as C1B. So, all are capital R. So, BC1, BC is basically 2R. So, I can say that 2R is basically BC. So, BC into AC plus AB by BC is equal to R plus BC. So, this BC will cancel out. So, R is AC plus AB minus BC so ac is our 3 ab is 1 and bc is by pythagoras theorem that is root of 3 square plus 1 square which is root 10 so it is 4 minus root 10 so you can find out its approximate value up to two decimal places then the write the answer so this was the question number 8 of j 2022 advanced paper 1 so thank you guys